तो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर हमला बोला है। ये कहा है कि आजकल समाजवादी पार्टी के लोग घबराते जल्दी हैं, इत्र में सुगंध आ रही थी, अब प्रदेश में दुर्गंध फैली है। ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। साथ ही ये भी कि जहां 10 लाख नहीं सोच सकते वहां 280 करोड़ मिलते हैं। पीएम ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, कटाक्ष किया है समाजवादी पार्टी पर केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन अगर कोई गलत किया होगा तो जांच एजेंसियां जांच करती हैं, गलत चीज पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई जांच में गलत नहीं पाया जाता है तो जैसे छापे पड़ते हैं, छापे के बाद कार्रवाई समाप्त हो जाती है। लेकिन यह सही है कि आजकल समाजवादी पार्टी के लोग घबराते जल्दी हैं कि ये कहाँ इत्र में सुगंध आ रही थी उसकी दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल गई, कहाँ इत्र कारोबारी के यहाँ जो मोटरसाइकिल चलता है कहाँ उसके घर में कोई 10 लाख की कल्पना नहीं कर रहा है, कहाँ 280 करोड़ रुपया नकद मिल रहे हैं। तो यह सब प्रदेश की जनता देख रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अगर किसी ने खाया है तो पूरा निकाल करके गरीबों के चरणों में समर्पित कर दूंगा। और सीधा लखनऊ चलेंगे, मेरे सहयोगी उमेश पाठक इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देखिए उमेश, अब जो एस ग्रुप के हैं अजय चौधरी, इनके भी अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई जारी है। पंपी जैन के ठिकानों से लीड मिला, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कार्रवाई कर रहा है। दोरोही अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को हमने सुना। निश्चित तौर पर अब इसके बाद भी सियासत गरमाएगी और पलटवार करेंगे अखिलेश यादव। देखिए सियासत इस पर गरमाएगी, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि 31 तारीख को पंपी जैन जो कि पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनके यहाँ पर छापे पड़े थे इनकम टैक्स के, और 3 दिनों तक जांच हुई है। उस जांच के दौरान तमाम बोगस शेयर उनके यहाँ पर मिले थे जो कि एस कंपनी से ताल्लुक़ रखते थे, जिसके क्रम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है नोएडा की, उसने छापेमारी कर रही है। और नोएडा के अलावा गाज़ियाबाद और इसके अलावा आगरा में भी, दिल्ली में भी छापेमारी चल रही है। और अभी तक जो जानकारी है इनकम टैक्स के जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक लगभग 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा छापेमारी की कार्रवाई की बात की जाए तो आगरा में भी कुछ जो जूता बनाने वाली कंपनियां हैं उनके मालिकों के घर पर भी छापेमारी चल रही है। लेकिन इसकी सियासी गूंज सुनाई पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पुष्पराज जैन, पंपी जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था, उनको लेकर के अखिलेश यादव किस तरीके से उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इत्र कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में और उसी पर देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने भी उमेश उसी पर तंज कसा है कि समाजवादी पार्टी के लोग आजकल घबराते बहुत जल्दी हैं। ये तंज कसा है केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में। उमेश आपको रोकना होगा फिलहाल, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।